हैं जहां चुनावी माहौल के दौरान ये बड़ी घटना घटित हुई है। पुलिस थाने के सामने युवक की हत्या की गई है। अभी तक हत्यारों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस जिला होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना सामने आई। हालांकि जब वाली पुलिस जांच में जुट गई है, नहीं उसमें हम करे हैं, जांच करे हैं, जो भी है पता लगा उसको एडमिट करवा दिया गया है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब वो डेड है कैसे है वो अलग बात है, बाकी हमने आइडेंटिफाई करे हैं कौन था, किस टाइम में क्या वारदात हुई है। इन्वेस्टिगेशन के बाद CIA टीम लगा दी, CTSHO लगा दिया, चौकी लगा दिया, मैं खुद मौके पे हूँ, महिला SHO भी मौके पे है, हम करके इसको जल्द ट्रेस करेंगे। सर कितनी टीमें? 5 टीमें बनाई गई। और डबली के आवाज नहीं, डबली की सही है, जो भी है नारकोटिक्स वाले है और अलग अलग टीमें बनाई गई है, इसको जल्द ही ट्रेस किया जाए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जसपाल फोन लाइन पर हैं। जसपाल, तो चुनावी माहौल के दौरान ये बहुत बड़ी घटना है और पुलिस की तरफ से अभी क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि सिरसा इलाके का ये डबली इलाका है जो कि पंजाब के साथ सटा हुआ है और यहाँ पर देर रात को करीब जो शाम के समय जो शाम हुई तो अचानक वहां पर कुछ युवकों के द्वारा एक युवक को तेज धार हथियार से जो है वो उसकी हत्या कर दी और ये चुनावी माहौल के दौरान ये पूरी घटना है वो घटी है। और बताया ये भी जा रहा है कि उसके हाथ के अंदर जो है JJP पार्टी के जो जो पार्टी के जो है वो बैंड भी डले हुए थे। तो एक चुनावी माहौल के दौरान ये एक बड़ी घटना है, इसमें एक युवक की है थाने के सामने ही हत्या कर दी जाती है, तो एक बड़ा क्राइम इसको कह सकते हैं। जी जसपाल, और ये भी दर्शाता है कि मतलब जो भी अपराधी हैं, जो भी हत्यारे हैं, उनके अंदर कोई डर नहीं है, किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं था, क्योंकि पुलिस स्टेशन के सामने इस तरह की हरकत की गई। देखिए, इसमें एक अपडेट भी है कि बताया ये भी जा रहा है कि जिसने इस युवक की हत्या की है उसने सरेंडर भी कर दिया है। आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं की गई है और इसमें सरेंडर कर दिया है, तो अभी पुलिस इसमें पूरी जांच करेगी आखिर हत्या किस लिए हत्या की गई है और क्या वजह इसकी क्या रही है। तो ये पूरी पुलिस जो है अभी जांच में जुट चुकी है, कई टीमें भी इसमें बना दी गई। जी जसपाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हमें देने के लिए। डबवाली में चुनावी माहौल के दौरान ये बड़ी घटना सामने आई है जहां एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस थाने के सामने कुछ लोगों ने ये हत्या की और युवक के हाथ में JJP का बैंड था।